मैं तो ये चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का, हमारे एमपी साहब का, अर्चना जी जो भी है उनका, भाई हमारे यहाँ जब विकास होगा जो सरकार के साथ ये रहेंगे। इंद्र मछरोली की तरफ से कहा गया कि भाई मुख्यमंत्री की तरफ से मुझे इशारा है और ये चाहती है कि जो संध्या भाटिया जी हैं, अर्चना गुप्ता है, उनकी तरफ से ये है कि भाई हमारे जो मैं ज्योति शर्मा को लेकर के पहुंचा, यानी बीजेपी के वो कैंडिडेट हैं, लेकिन कोई भी कल भारतीय जनता पार्टी का मुझे नेता नजर नहीं आया। मैं तो ये चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का, हमारे एमपी साहब का, अर्चना जी जो भी है उनका, तो इस प्रकार की मुख्यमंत्री की तरफ से कोई डायरेक्शन ना तो आज तक दी है और ना भविष्य में देने वाले हैं। मुख्यमंत्री हमारे बहुत साफ छवि के व्यक्ति हैं, कभी वो इस प्रकार की राजनीति नहीं करते, तो इस प्रकार की बातें जैसे अनुकरण और बदसलूकी, हाथापाई, मारपीट तक की भी बात सामने आ रही है, इस तरह से लोगों ने उनको चुन करके भेजा है, क्या लगता है अभी ठीक है? सुबह 3-4 बजे तक तो कार्यक्रम था वहाँ पर, तो इस प्रकार की जैसे आपने दर्शाया तो ये निंदनीय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तैलकर और मैं आपके साथ संदीप शर्मा, और हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णलाल पवार, राज्यसभा सांसद है। कृष्ण जी, कल आपको भी बताया कि जिला परिषद के चेयरमैन का जो चुनाव है वो होना था और बदसलूकी, हाथापाई, मारपीट तक की भी बात सामने आ रही है, इस तरह से लोगों ने उनको चुन करके भेजा है, क्या लगता है अभी ठीक है? इसमें मैं मतलब ओडा ब्लॉक समिति के चुनाव थे, मैं उसमें व्यस्त था, तो उसमें मुबारकबाद देता हूँ मेंबर को कि सर्व समिति से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कहाँ पर चुनाव हुआ, लेकिन मुझे शाम को जानकारी मिली क्योंकि मैं 3-4 बजे तक तो कार्यक्रम था वहाँ पर, इस प्रकार की जैसे आपने दर्शाया तो ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि लोग जो चुनकर भेजते हैं वो अपना मत देकर उनको भेजते हैं, तो इस प्रकार के चुनाव भी शांतिपूर्वक से होने चाहिए कि जो चेयरमैन बनना है, जो प्रतिनिधि हैं, जो पार्षद बने हैं, वो अपना मत शांतिपूर्वक ढंग से उसका प्रयोग कर सके। रविंद्र मछरोली की तरफ से कहा गया कि भाई मुख्यमंत्री की तरफ से मुझे इशारा है और ये चाहती है कि जो संध्या भाटिया जी हैं, अर्चना गुप्ता है, उनकी तरफ से ये है कि भाई हमारे जो मैं ज्योति शर्मा को लेकर के पहुंचा, यानी बीजेपी के वो कैंडिडेट हैं, लेकिन कोई भी कल भारतीय जनता पार्टी का मुझे नेता नजर नहीं आया। मुख्यमंत्री हमारे बहुत साफ छवि के व्यक्ति हैं, कभी वो इस प्रकार की राजनीति नहीं करते, उनका मत ये होता भी जो प्रतिनिधि चुने गए हैं अपनी इच्छा से अपना चेयरमैन चुने, तो इस प्रकार की मुख्यमंत्री की तरफ से कोई डायरेक्शन ना तो आज तक दी है और ना भविष्य में देने वाले हैं, तो इस प्रकार की बातें जैसे अनुकरण। ज्योति शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार नहीं, तो इसमें कौन व्यक्ति, क्योंकि उस शाम को पटका भी नोडाल रखा था, तो प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ने का उनका अपना अधिकार भी होता है, जुड़ते भी हैं, तो जिस प्रकार से कल हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बने, बाकायदा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पटका लिया, हाथ में झंडा लिया, तो निश्चित तौर पर जो लड़की है जो ज्योति शर्मा, वो भी उन्होंने भी पटका बीजेपी का डाल रखा था। आने वाले टाइम में क्या लगता है, जेजेपी ने भी दावा कर दिया, देवेंद्र कादियान ने कल दावा कर दिया भी हमारा होगा जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इसमें दावे के ऊपर नहीं, मतों से चेयरमैन बनेगा, कोई दावे से चेयरमैन बनने वाला नहीं है, जिसके पास मत होंगे वही चेयरमैन बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।